हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, टुडे अगेन वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू इक्विडिविजल लेमा। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इक्विडिविजल लेमा पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बेटा आज हम वही क्वेश्चन लेते हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो कि बेस्ड ऑन है इक्विडिविजल लेमा पे। तो आते हैं आज के सेकेंड वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग इक्विडिविजल लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि तुम देख रहे हो, इक्विडिविजल लेमा में हम दो इंटीजर की बात करते हैं, ए और बी। आपने पढ़ा था अगर ए और बी दो इंटीजर हो, इस तरह से हो कि ए अपन बी हो रहा हो, अर्थात ए जो है बी से डिविजिबल है, उस केस में आपको दो होल नंबर मिलते हैं, दो होल नंबर क्यू और आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू का साथ। बेटा ये सब इक्विडिविजल लेमा पढ़ाया गया था, और साथ ही साथ ये भी बताया गया था जो आर वैल्यू रिमाइंडर होता है उसकी जो वैल्यू होती है जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन लेस देन बी होता है, अर्थात जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, अप टू बी माइनस वन तक हो सकती है। बेटा इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन में जरा देखो, उसमें कह रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या मान ले कि हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है और यहाँ पे बी को क्या मानना है। इससे पहले बेटा बी को हम थ्री लेते थे, कभी टू लेते थे, अब बहुत बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एम के बगल में नाइन है तो बी इक्वल टू नाइन लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करना आपको, याद रखिए यहाँ बी इक्वल टू नाइन नहीं लेना है, बी को थ्री लेना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 बताया गया था, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे b बराबर 3 लेना है, यही इसका ट्रिक है। तो समझ लो b यहाँ 3 लेना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो आप लोगे ही। उसके बाद a को कौन डिवाइड करता है, 3 ना, क्यों करेगा आप तो सोचोगे सर इससे पहले यहाँ थ्री तो थ्री लिखते थे, यहाँ नाइन तो नाइन लिखेंगे, नहीं यहाँ आपको थ्री ही लिखना है, क्योंकि फर्दर जो ए होगा अभी इसका मुझे होल क्यूब करना है, उसके बाद मुझे चेक करना जो ए का क्यूब होगा या तो 9m जैसा दिखेगा या तो 9m प्लस 1 जैसा दिखेगा या 9m प्लस 8 दिखेगा, इसके बाद देखते हैं। याद रखना बच्चों यहाँ पे बी जो है थ्री लेना है ना कि नाइन लेना, एक बार और मैं रिमाइंड करा कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, ऑन डिवाइडिंग a बाई थ्री, मतलब a को हम तीन से डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट मान लेते हैं कोसन, बेटा यहाँ कोसन को क्यों मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट कोसन b q और रिमाइंडर क्या है r है, एंड रिमाइंडर b d r, देन फ्रॉम इक्विडिविजन लेमा v है, बेटा क्या बताते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यूब, यहाँ b क्या है 3q + 1, वेयर जहां r की जो वैल्यू होगी बेटा होगी जीरो हो या जीरो से बड़ा हो लेकिन लेस देन क्या होगा 3 होगा, अर्थात यहाँ बगल लिख सकते हो दैट इज r इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो थ्री क्यू प्लस आर होगा। अब क्या करो बेटा, इसको मैं अरेंज करता हूं, अब दोनों तरफ होल क्यूब करो, क्यों होल क्यूब करो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां से पता चल रहा है आपको पहले होल क्यूब करना है, होल क्यूब करो, ए का क्यूब इक्वल टू होगा 3q + r का होल क्यूब। एक और मैं रिमाइंड कर दूं, जहां आर की वैल्यू क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि बेटा r जो लाइक कर रहा है 0 या ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, इट मीन देयर r की वैल्यू मे बी 0, 1, 2। एक काम करो बेटा, जरा इसको एक्सपेंड करो, तब हम केस लेके चलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 1 फॉर 0, केस 2 फॉर r इक्वल टू 1 एंड केस 3 फॉर r इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट a का होल क्यूब इक्वल टू, अच्छा कैसे यार a का होल क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो यही है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा पॉजिटिव इंटीजर a था यानी होल क्यूब पहले करना पड़ेगा। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये पावर 3 है, ये होगा 3q का होल क्यूब प्लस r का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3q इनटू r और ब्रैकेट में 3q प्लस r, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब इनटू 3ab, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b, ठीक है।
आप चाहो तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देख सकते हैं, क्लास नाइन की बुक में मिलेगा आपको। ए क्यू इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दो ये 27 क्यू का पावर 3 होगा, ये r का पावर 3 होगा, ध्यान दो 3 3 9 9 क्यू आर होगा और ब्रेकेट में 3 क्यू प्लस आर होगा। इसको और सिंपल करो, देखो ए क्यू इक्वल टू अब होगा 27 क्यू के पावर 3 प्लस आर का पावर 3 प्लस 27, देखो 9 क्यू आर से जब 3 क्यू मल्टीप्लाई करेगा ना तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू आर और प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर। सावधानी से लिखिएगा, चाहो तो इसको रेक्टेंगल बॉक्स में भी रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ से बेटा हम केसेस लेके चलेंगे। पहला केस वेन आर इक्वल टू 1, देखो फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट वेन आर इक्वल टू 0, सॉरी पहले आर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। देयर फॉर या देन लिखो ए क्यू इक्वल टू, जहां आर है वहां 0 रखते हैं, देखो बेटा 27 क्यू पे पावर 3 होगा प्लस, देखो आर का क्यूब यानी 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा और यहाँ आर का वैल्यू 0 होगा तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 क्यू इंटू आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर हो 0 होगा तो 0 इंटू 9 क्यू भी 0 होगा। कुल मिला के तुम देखोगे ए क्यू इक्वल टू होगा 27 क्यू पे पावर 3। बेटा इसको तुम ऐसे सेट करो, 9 बाहर रखो अंदर 3 क्यू करो, और ये बताओ अगर मैं इसको यम मान लो कुछ देर के लिए तो ये 9m हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, ए क्यू जो होगा 9m के बराबर है, जहां यम बराबर क्या है 3 क्यू की पावर 3 है। आगे लिखना इज एन इंटीजर, ये बेटा जो ये भी तो इंटीजर होगा, कॉमा लगाने के बाद m बराबर 3 क्यू की पावर 3 विच इज ए इंटीजर। इस तरह से आपने क्या देखा, जो ए क्यू है वो हमने किस रूप में आया, 9m हुआ। ध्यान देना जहां कॉमा लगाएंगे ना m इज एन सम इंटीजर, m इज क्या है सम इंटीजर। और बताओ मैंने m की वैल्यू क्या माना, हमने m की वैल्यू यहां माना 3 क्यू की पावर 3। इस तरह से आपने देखा प्रूफ करना था कि जो क्यूब आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 9m होगा या तो 9m प्लस 1 होगा या तो 9m प्लस 8 होगा। उसमें से केस नंबर 1 लेके चलने पे a क्यूब बराबर क्या है 9m। अब हमारे पास दो केसेस हैं, दूसरा केस होगा r इक्वल टू 1, वहां देखते हैं ए क्यू बराबर क्या होता है, 9m होता है कि 9m प्लस 1 होता है कि 9m प्लस 8 होता है, और फिर थर्ड केस लेके चलेंगे व्हेन r इक्वल टू 2। आइए बच्चों देखते हैं 1 by 1, व्हेन r इक्वल टू 1 दिस इज द केस नंबर 2। बेटा जहां r होगा वहां 1 रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो 27 क्यूब के पावर 3 होगा, यहां r की वैल्यू 1 रखो तो 1 का क्यूब क्या देगा 1 देगा। देखो यहाँ से r की वैल्यू 1 रखोगे तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 ये 27 क्यू स्क्वायर होगा, 27 क्यू स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ r की वैल्यू 1 रखोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 9 क्यू होगा। अब थोड़ा इसकी सेटिंग करते हैं, सेटिंग ये करो कि ए क्यू बराबर देखो 27 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू का पावर 2 प्लस 9 क्यू, इसको एक साथ रखो और आगे प्लस 1 लिखो। अब ध्यान दो इन तीनों टर्म में सिर्फ 9 कॉमन लीजिए, कॉमन तो क्यों भी है लेकिन जितना मतलब किया जा रहा है उतना ही कॉमन लेना है। तो एक केस टू था बेटा जिसको हम अरेज कर दे रहे हैं, ऊपर का लाइन अरेज कर रहा है, ये बीच वाला लाइन रेक्टेंगल बॉक्स में दे देते हैं ताकि मैं इसको देख कर केस नंबर 3 लिख सकूं, ठीक है ना, ध्यान देना क्यू ठीक है यहाँ भी। तो देखो तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू इक्वल टू, अब बेटा मैंने यहाँ से तीनों टर्म से बस 9 कॉमन लिया, सिर्फ 9 कॉमन लेना तो ये होगा 3 क्यू की पावर 3 प्लस बेटा ये होगा 9 3 27 3 क्यू का पावर 2, और देखो ये 9 निकल जाए सिर्फ क्यू बचेगा और ये प्लस 1। बेटा इसको अगर हम यम सोच लें कुछ देर के लिए तो ये 9m प्लस 1 होगा, जहां एक्वेरी लिखना m को बराबर क्या है बताओ 3 क्यू पे पावर 3 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 और कमा लगा देना इज सम इंटीजर है, इंटीजर ले सकते हो, सम लगा 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 मतलब कोई कुछ ना कुछ इंटीजर देगा ही देगा क्योंकि क्यू इंटीजर है तो ये ओवरऑल इंटीजर ही देगा। इस तरह से आप देखो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 9m प्लस 1 हो गया, ठीक है, वेयर m इज सम इंटीजर, फिर लिख देना वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है ना। तो इस तरह से द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो उसका फॉर्म 9m आ रहा है या तो 9m प्लस 1 आ रहा है। तो हमने केस नंबर 1 देखा, केस नंबर फर्स्ट देखा जब r इक्वल टू 0 पे आया 9m, केस नंबर 2 व्हेन r इक्वल टू 1 पे आ रहा है 9m प्लस 1, ठीक है। अब हम देखेंगे केस नंबर 2 जो कि लास्ट है, तो फिर मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, बीच वालों में जान बुझ कर नहीं अरेज करता कि मैं इसको देख देख कर आर क्यू रिपोर्ट करूँ। तो बेटा ये केस नंबर 2 तक हो गया,
देखो ना केस नंबर थ्री, व्हेन आपको इसको दोबारा नहीं लिख रहा, आपको आप इसको देख रहे हो ना, मुझे मैं अपने लिख रहा हूँ ठीक है। व्हेन आर इक्वल टू टू डायरेक्ट है, इसलिए एक ही बराबर, जहां आर एम आप पुट करो ना दो, आर को बंद हो यहाँ देखो डायरेक्ट लिखना 27³³। अगर दो का पावर दो रखो, दो का पावर तीन क्या होगा 8 होगा, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। यहाँ देखो आर का मान दो रखो, 27 और दो का मल्टीप्लाई होगा 54 होगा, 54 क्यू स्क्वायर होगा। अब प्लस बेटा यहाँ आर का मान दो रखो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 क्यू। बेटा ऐसा नहीं है कि आपको दिखाना पड़ता, आप क्लास 10th में चले गए हो ना, तो आप उस चीज को डायरेक्ट कर सकते हो, फिर वही काम करो। तो ध्यान से देखो यहाँ 27³ है, मतलब क्यू वाले टर्म को पहले इकट्ठा कर दो ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, तो देखो ए क्यू इक्वल टू मतलब 27³ प्लस 54³² प्लस 36³। इसको ब्रैकेट क्लोज करो या प्लस 8। देखो जो तुम प्रूफ कर रहे हो ना, उसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो क्या था, 9m प्लस 8 था। देखो अगर मैं यहाँ सिर्फ 9 का मान ले लूं, तो बीच में कुछ ना कुछ टर्म मिलेंगे जो q के रूप में होंगे, उसको मैं m मान लूंगा, तो ये फर्दर बनेगा aq इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इज अ सम इंटीजर। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ना कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m आर 9m प्लस 1 आर 9m प्लस 8। आइए देखते हैं, ये तो बेटा तुम लिख लिए थे, इसको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ दो लाइन, मैं बीच वाले लाइन को जानबूझ के नहीं कर रहा था कि मैं इसी को देख करके ऐसा देख रहा हूँ। दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू इक्वल टू, बेटा सिर्फ 9 ही कॉमन लेना, या कॉमन उतना ही लेते हैं जितना मुझे जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 9 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या है 3³ प्लस 6 होगा ना 6³ देख लीजिएगा प्लस 4³ और ब्रेक बगल में क्या है 8 है। अब इसी को बेटा हम यह मान लेते हैं ए क्यू इक्वल टू, हर बार एम चेंज हो रहा है, देखिए एम क्या है इंटीजर ही तो है, जहां एम ये कॉमन क्लब है समझो, वेयर एम इज इक्वल टू है 3³ और प्लस 6³² और प्लस 4³ व्हिच इज एन इंटीजर, व्हिच इज एन इंटीजर, जो कि सब के सब क्या है इंटीजर है। तो अब इसको अब इसका कोई रोल नहीं है ठीक है ना, इंटीजर दस या देयर फॉर दिस एम्पलर जो भी लिखते हो दिस एम्पलर ए इज इक्वल टू, इसमें क्या आ गया 9m प्लस 8। बेटा अब कंक्लूजन लिखो, हम प्रूफ कर लिए हैं 10। इस तरह से आपने क्या देखा, यहां लिखा ना कॉमन लगाकर वेयर एम इज सम इंटीजर, ये लिखना पड़ता है थोड़ा सा अच्छा लगता लिखने में, यहां एम बराबर ये था ठीक है 10। इस प्रकार कंक्लूजन लिखो 10 द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान देना एनी पॉजिटिव, एक क्वेश्चन से लिख सकते हो देखकर, सो दैट घटा के बाकी लिख दो, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म बेटा क्या है, या तो 9m है या 9m प्लस 1 है या 9m प्लस 8 है, ही प्रूफ करना था क्या, हाँ ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, नीचे लिख देना है प्रूफ, यही सिद्ध करना था आई थिंक बेटा, आप समझ गए होंगे। अच्छा इसमें इस सवाल में हमने पोर्शन को क्यू ही लिया, एम नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा तो एक्सप्रेशन क्यू में ही चल रहा था, लेकिन बाद में हमने उस क्यू वाले एक्सप्रेशन को एम माना था, जो कि बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से मैच कर जा रहा है ठीक है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन क्यू लेना है कि एम लेना है ठीक है। ओके क्वेश्चन है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस वन एंड एन प्लस टू इज डिजल बाई थ्री वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बच्चे ना क्या करते हैं कि इसको जनरल तरीके से लगाते हैं, आपको इसको ना यूक्लिड डिविजन लेमा से लगाना है। देखो यार एन प्लस वन एन प्लस टू क्या है, ये तो कंजुगेट नंबर है, कंजुगेट थ्री नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 फिर समझो ना 1 2 3 एन कमाई कर रखो 1 2 3 एन कमान दो रखो तो 2 3 4 आएगा, तुम चेक कर लो एन कमान 2 यहाँ 3 यहाँ 4, जब एन कमान 3 रखोगे 3 4 5 आएगा, तो तुम क्या देख रहे हो ऐसे 4 5 6 5 6 7, तो तुम देखोगे 1 2 3 में सिर्फ ये जो टर्म है 3 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 1 नहीं डिविजिबल है 3 से, 2 भी नहीं है, सिर्फ 3 जो है 3 से डिविजिबल है, 2 3 4 में ये बीच वाला 3 जो है डिविजिबल है, 3 4 5 में आगे का नंबर डिविजिबल है 3 से, 4 5 6 में किनारे का जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 5 6 6 7 में बीच का जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, ऐसे 5 6 7 6 7 8 ये वाला, तो ये तो जनरल तरीके तो समझ में आ ही गया है
कि या तो n n प्लस वन एन प्लस टू में कोई एक संख्या जो तीन से डिविजिबल होगा, लेकिन इसको हम कैसे लगाना है, इसको हमें इक्विडिविजन लेमा से लगाना है। तो आइए देखते हैं इक्विडिविजन लेमा से कैसे लगाएंगे। बेटा इक्विडिविजन लेमा में हम लोग जनरली दो नंबर ढूंढते हैं ए और बी, ए को पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे और बी हमारा क्या होता है एक ऐसा नंबर होगा, कभी इसको हम दो रखते हैं कभी इसको तीन रखते हैं। देखो सोचो यहाँ पे बेटा तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन हम ना ए को पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे, हम यहाँ लेते हैं कैसे जाना, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट लाइन पढ़ोगे यन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वही हमारा ए है। तो थोड़ा रटने का भी एक तरीका होता है कि ए लिखना है कि एन लिखना है, तो आप मानना लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एन को एनी पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है, ठीक है ना। तो आप एन मानोगे ना कि ए मानोगे, तो देखो लेट एन बी एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ये फॉर्मेलिटी लिखना पड़ता है पॉजिटिव इंटीजर, और पृष्ठा लिखो अब एन को कौन डिवाइड करेगा बी, अभी यहाँ क्या लोगे देखो डिविजिबल बाय थ्री, यानी यहाँ बी जो है थ्री है, वैसे भी ए और बी जब लेते थे तो बी क्या करता था ए को डिवाइड करता था, तो यहाँ डिवाइड करने पर नंबर कौन है बेटा थ्री है, तो ट्रिक है ना, यानी ट्रिक से ये समझ में आ रहा है बी को तीन रखना है। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इसको डिवाइड एन को किससे थ्री से, लेट मान लेते हैं एन जो है एन को तीन डिवाइड कर रहा है, उसके लिए रिमाइंडर क्या है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन की रिमाइंडर आर है, तो लेट क्वेश्चन बी क्वेश्चन क्या है मान लो क्यू है और रिमाइंडर क्या है फॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा एंड रिमाइंडर बी आर, देन फ्रॉम देन बेटा क्वेश्चन क्यू का रिमाइंडर आर है ठीक है, देन फ्रॉम इक्विड डिविजन लेमा, इक्विड डिविजन लेमा बेटा ऊपर की लाइन में अरेज कर दे रहा हूं मुझे याद है क्वेश्चन, वी हैव ए नहीं होगा एन होगा बी क्यू, यहां बी किससे डिवाइड कर रहे हैं बी को ही तो तीन बोला जा रहा है, थ्री हो जाएगा और क्यू प्लस आर हो जाएगा थ्री क्यू प्लस आर, बेटा सोचो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यहाँ ए जो है एन को रिप्रेजेंट कर रहा है बी यहाँ थ्री को रिप्रेजेंट करेगा क्यू क्यू ही है आर आर है, जहां आर क्या होगा आर लाइज बिटवीन जीरो जीरो से बड़ा और लेस देन थ्री होगा, अर्थात यानी तो अर्थात आर बराबर होगा दैट इज जीरो कामा वन कामा टू दो तक जाएगा ठीक। इस तरह से बेटा तुम ध्यान दो कि थ्री क्यू प्लस आर है, अब हम केस लेके चलेंगे, केस नंबर फर्स्ट व्हेन आर बराबर जीरो, जब आर बराबर जीरो करोगे देन तब तुम ध्यान दो आर की वैल्यू क्या होगी सॉरी एन की वैल्यू क्या होगी, देन यहां लिख दे रहे देन एन इक्वल टू एन इक्वल टू होगा थ्री क्यू प्लस जीरो इट गिव्स थ्री क्यू, इस तरह से देखो एन की वैल्यू थ्री क्यू हुआ। नाउ अब देखो एन बराबर थ्री क्यू हुआ केवल लिख दे रहे दिस एन इक्वल टू थ्री क्यू, अब देखो अब करना क्या है हमको ये साबित करना है जो पॉजिटिव इंटीजर है एनी पॉजिटिव जो एन है या तो एन थ्री से डिविजिबल होगा या तो एन प्लस वन थ्री से डिविजिबल होगा या तो एन प्लस टू एन एन प्लस एन प्लस टू, एक काम करो केस नंबर वन अभी तक यहाँ पहुंचे है ना, अब जो है ना हम बकायदे एन की वैल्यू फिर एन प्लस वन की वैल्यू और फिर एन प्लस टू की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या जो है तीन से डिविजिबल होगा, तो आप देखो कि इसमें से कोई एक ही जो नंबर होगा तीन से डिविजिबल होगा, यानी एन बराबर थ्री क्यू है और यहाँ से एन की वैल्यू थ्री क्यू प्लस वन है और यहाँ से एन की वैल्यू थ्री क्यू प्लस टू है, अब आप बताओ क्या एन यानी थ्री क्यू तीन से डिविजिबल है कि एन प्लस वन यानी थ्री क्यू प्लस वन तीन से डिविजिबल है कि एन प्लस टू यानी थ्री क्यू प्लस टू तीन से डिविजिबल है, तो आप ध्यान से देखोगे इसमें से सिर्फ एक ही नंबर जो है ये जो डिविजिबल बाई थ्री है, इस तरह से तो साबित तो हो ही गया कि या तो एन तीन से डिविजिबल होगा या तो n प्लस वन थ्री से डिविजिबल होगा या तो n प्लस टू, तो केस नंबर फर्स्ट में आप देखोगे ये जो पहला एक्सप्रेशन n बराबर थ्री क्यू है यानी n जो है तीन से डिविजिबल है। अब आते हैं केस नंबर टू, केस नंबर टू ले चलते हैं, ध्यान देना हर बार जो है बेटा n बराबर जो होगा थ्री क्यू प्लस आर के बारे में सोचेंगे ठीक है ना, जब r का मान जीरो था तो हमने ये पाया कि सिर्फ n बराबर थ्री क्यू जो है डिविजिबल है बाकी ये दोनों डिविजिबल नहीं है। अब केस नंबर टू ले लो, चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ केस नंबर टू, जब n बराबर सॉरी r बराबर वन हो देन तब n बराबर क्या होगा देखो थ्री क्यू प्लस वन होगा थ्री क्यू प्लस वन होगा
ठीक। अब क्या करो, अब फर्दर हम एन चेक करेंगे, फिर एन प्लस वन चेक करेंगे, फिर एन प्लस टू चेक करेंगे, देखेंगे कौन कट रहा है, ठीक है ना। देखते हैं नाउ, बेटा ये केस नंबर वन था और केस नंबर टू यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यानी नाउ एन बराबर देखो क्या है, फिर एन प्लस वन इक्वल टू देखो क्या है, फिर एन प्लस टू देखो क्या है। देखो एन क्या है, ये है थ्री क्यू प्लस वन है, थ्री क्यू प्लस वन है, यानी और ये देखो ये थ्री क्यू प्लस वन है और ये थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू है, ठीक है। इट गिव्स थ्री क्यू प्लस टू और ये होगा थ्री क्यू प्लस थ्री। तो ध्यान से देखो बेटा, ये थ्री क्यू प्लस वन है, ये थ्री क्यू प्लस टू है, ये थ्री क्यू प्लस थ्री है। अगर मैं देखो ये तो संख्या तीन से डिजो नहीं है क्योंकि प्लस वन है, ये थ्री क्यू प्लस टू है, यहाँ प्लस टू है। अगर मैं इन दोनों में थ्री कॉमन ले लू तो क्यू प्लस वन होगा, अर्थात ये मल्टीपल ऑफ थ्री हो गया ना, तो हम कह सकते हैं इज डिविजिबल बाई थ्री है। तो तुमने क्या देखा सेकेंड केस में, सेकेंड केस में हमने ये देखा कि n n plus n plus 2 में सिर्फ n plus 2 जो है 3 से डिविजिबल है। पहले केस में हमने ये देखा सिर्फ n जो है 3 से डिविजिबल है। तो केस नंबर 1 केस नंबर 2 से ये साबित हो रहा है कि किसी समय या तो n 3 से डिविजिबल होगा, या तो n plus 2 डिविजिबल होगा 3 से, या तो n plus 1 डिविजिबल होगा। तो हमने तो साबित कर दिया केस नंबर फर्स्ट में n से 3 डिविजिबल है, और सेकेंड केस में यह साबित हुआ कि n plus 2 जो है 3 से डिविजिबल है। अब तीसरे केस में देखते हैं क्या डिविजिबल होता है, ठीक है। तो केस नंबर 3, केस नंबर थ्री, जब आर का मान ना वन रखोगे, तो जब आर का मान वन रखोगे देयर देन तब एन बराबर होगा जो कि थ्री क्यू प्लस आर था ना, तो थ्री क्यू प्लस वन हो जाएगा। बेटा तुम लोग समझ लोगे शायद, जीरो वन टू नहीं बेटा, केस नंबर थर्ड में आर को ही रखेंगे क्योंकि तो केस नंबर फर्स्ट आर बराबर जीरो था, केस नंबर सेकेंड आर बराबर वन था, और केस नंबर थर्ड आर बराबर टू था, सही टू है। तब ये थ्री क्यू प्लस टू होगा, जीरो वन टू, सही है। अब बेटा अब हम n भी निकालेंगे, फिर n प्लस वन भी निकालेंगे, अब फिर n प्लस टू भी निकालेंगे। बेटा n n के जगह क्या लिखोगे, थ्री क्यू प्लस टू एन प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू और प्लस वन, फिर बाद में भी ऐड करेंगे, और n प्लस टू यानी थ्री क्यू प्लस टू और प्लस टू। थोड़ा इसको सिंपल करो, ये तो थ्री क्यू प्लस टू सिंपल होगा नहीं, हाँ बीच वाला जो होगा थ्री क्यू प्लस टू प्लस वन ये सिंपल होगा, ये थ्री क्यू प्लस थ्री होगा, और तीन जब कॉमन लोगे तो क्यू प्लस वन हो जाएगा। जबकि थ्री क्यू प्लस टू को लिखोगे थ्री क्यू प्लस फोर, तब देखो इसमें से कौन सी संख्या जो तीन से कट सकती है, पहला तो गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि प्लस टू है, प्लस टू नहीं रहता तो सोचते हैं तीन से कटता है, यानी एन नॉट एन इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री। सेकेंड वाला देखो एन प्लस वन जो कि सॉल्व करते करते पहुंचे थ्री ऑफ क्यू प्लस वन, ये एन मल्टीपल ऑफ थ्री हो गया ना, इसका मतलब है इज डिविजिबल बाई थ्री, यहाँ लिख दीजिएगा इज डिविजिबल बाई थ्री। बेटा तुम क्या देख रहे हो, ये जो सेकंड एन प्लस वन है, सेकंड सेकंड मतलब सेकंड वाला है एन प्लस वन इज डिविजिबल बाई थ्री है, जबकि थर्ड वाला देखो थ्री क्यू प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री। तो इस तरह से हमने ये साबित किया कि आउट ऑफ एन या एन प्लस वन या एन प्लस टू, इन तीनों में से कोई एक संख्या जो है तीन से डिविजिबल है। तो दस ये हम प्रूफ कर चुके हैं, अब थोड़ा कंक्लूजन लिखते हैं, आई थिंक आप इसको लिख चुके होंगे बेटा, ऐसा समझ चुके होंगे। अब देखो दस, अब क्या करो, जो क्वेश्चन है ना उसी स्टेटमेंट को सो दैट वाला टर्म है उसको हटा दीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में, दस वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस वन कॉमा एन प्लस टू इज व्हाट डिविजिबल बाई थ्री। बेटा यही सिद्ध करना था, नीचे लिख देना हेंस प्रूफ, ओके। बेटा इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सो सेम टू सेम है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा जो जो एक बार और इसकी तैयारी कर लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन के एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस टू कॉमा एन प्लस वन डिविजिबल बाई थ्री, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा इससे पहले ही वही सवाल है, बस तो थोड़ा सा चेंज हुआ एन एन प्लस टू एन प्लस वन, इससे पहले एन था एन प्लस वन था एन प्लस टू था। चलिए देखते हैं, इसे मजे लगाएंगे। अब आप जान ही गए होंगे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या लेना है, ए लेना है, नहीं एन लेना है, ए नहीं लेना है, ठीक है। तो और बी की जगह पर थ्री लेना है, इंक्लूड इंटीजर लेना लगाना है, लिखते हैं तो समझ ही गए होंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर वही काम, लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर की लिखोगे अनडिवाइडिंग ए बाई थ्री लेट, मतलब ए को जब हम तीन से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं क्वेश्चन क्या क्यू है, लेट क्वेश्चन बी बी क्यू और रिमाइंडर आ रहा है एंड बेटा ए नहीं मानो एन मानो, ठीक है ना, मैंने एन बोला था सॉरी, एंड रिमाइंडर बी, तो यहाँ एन लिखना पड़ेगा ना, एंड रिमाइंडर बी क्या होगा आर मान लिया, देन फ्रॉम इक्विट डिवीजन लेमा, इक्विट डिवीजन लेमा बेटा इसे ऑब्जर्व करो, मैं जब लिख रहा हूं ना एक एक फॉर्मेट यानी टेम्पलेट के ऊपर लिख रहा हूं, इट मीन दैट मैंने अब तक क्वेश्चन में लिखने के जो तरीके हैं उसको मैंने चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं है, एज ए टीचर हम लोग कई तरीके होते हैं लेकिन जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो सोचते हैं कि बच्चों को एक ही तरह से लिखना सिखाएं, क्योंकि बच्चा जैसे क्वेश्चन को लिख चुका है फिर दूसरे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट को लिख चुका है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो आप भी ना जब भी आप स्टडी करो ना तो जिस फॉर्मेट में आप लिखो उधार उसी फॉर्मेट लिखने का प्रयास करें, नहीं तो आप जैसे बुक किताब को अगर चेंज करोगे ना तो अदर राइटर का देखोगे ना थोड़ा चेंजेज हो जाता है तो बच्चा स्टेटमेंट में फंस जाता है, सोचता है कि यार हम सही लिखे हैं कि किताब वाला सही है या हमारे ट्यूशन वाले टीचर सर सही बताए हैं कि स्कूल वाले सर सही बताए हैं, देखो सबका सही होता है तो बेहतर यह है कि आप किसी एक फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। फ्रॉम इक्विट डिविजन लेमा क्या होगा, वी है लिख सकते हैं एन बराबर बी क्यू, यहाँ बी थ्री है क्वेश्चन क्यू है प्लस रिमाइंडर आर है, वेयर बेटा कॉमा मतलब यहाँ वेयर है, वेयर आर की जो वैल्यू होगी वही बात है जीरो या जीरो से बड़ा और लेस देन थ्री, अर्थात नीचे लिख सकते हैं जहां इसको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं जो आर की जो वैल्यू होगी जीरो कॉमा वन कॉमा टू थ्री तक नहीं होगा, तो फिर बेटा वही काम करेंगे केस नंबर फर्स्ट में आर इक्वल टू जीरो और उसके लिए फिर हम एन एन प्लस टू एन प्लस फोर चेक करेंगे, देखते हैं कि या तो एन तीन से कटेगा तीन से डिविजन होगा या तो n प्लस टू थ्री से डिविजन होगा या तो n प्लस फोर डिविजन होगा, एट वन टाइम कोई एक ही होगा तो चेक करते हैं, तो पहले हम ऊपर का लाइन दो लाइन एरेज करते हैं, लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट वेन जब r बराबर जीरो तब क्या होगा बेटा देखो तब n बराबर होगा थ्री क्यू प्लस जीरो या आठ माइनस जीरो यहां से थ्री क्यू आएगा, इस तरह से हमने देखा n बराबर थ्री क्यू आ गया, ओके अब देखो अब हम क्या करेंगे नाउ चेक करते हैं n n प्लस टू और n प्लस फोर देखते हैं कौन जो है थ्री से डिजिट होगा, तो n की जगह पे थ्री क्यू है अब ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू अब ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस फोर, अब आप सोचो ये बताओ इसमें से कौन सी संख्या जो है तीन से डिजिट हो रहा है, क्या n हो रहा है कि n प्लस टू हो रहा है कि n प्लस फोर, तो आप देखोगे ना n ही हो रहा है, क्यों क्योंकि यहाँ प्लस टू आ रहा है यहाँ प्लस फोर आ रहा है, तो हम कहेंगे कॉमा लगा दो इज डिजिट बन जाएगा, ये हमारा पहला केस है, एट वन टाइम या तो n डिविजन होगा थ्री से या तो n प्लस टू होगा या तो n प्लस फोर, कोई तीनों में से कोई एक ही होगा किसी समय, ठीक है ना, तो केस नंबर फर्स्ट हमने ये देखा n बराबर थ्री क्यू यानी n जो है डिजिट बाई थ्री है, अब केस नंबर सेकंड लो, नाउ केस नंबर सेकंड जब r इक्वल टू वन तब n बराबर बेटा जहां जिसे n बराबर मैं अगर यहाँ रिमाइंड करा दू मैं आपने ले लिया हूँ बेटा n बराबर क्या था थ्री क्यू प्लस आर था याद रखो, ठीक है ना, तो ये बताओ जब r का मान एक रखोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, ठीक ये हो गया, अब एक बार और लिखेंगे n बराबर देखो क्या है यही है n प्लस टू बराबर देखो क्या है और n प्लस फोर बराबर देखो क्या है बेटा n n तो वही लिखोगे थ्री क्यू प्लस वन और n प्लस टू पहले n लिखो ना n जो है थ्री क्यू प्लस वन है फिर बाहर प्लस टू जोड़ोगे इसमें अभी हम जोड़ के बताएंगे क्या रहा और n क्या है फिर देखो थ्री क्यू प्लस वन है और प्लस फोर है इसको और सिंपल करो बेटा इसको तो सिंपल नहीं कर पाओगे तो सिंपल ही है थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू जो कि होगा थ्री क्यू प्लस टू जब ब्रैकेट खोलोगे तो अब फर्दर तुम देखो इसमें तीन और तीन कॉमन है तो थ्री कॉमन हो तो क्यू प्लस वन होगा यहाँ से देखो थ्री क्यू प्लस वन और प्लस फोर ध्यान देना ये प्लस वन है ये क्यू है तो थ्री क्यू प्लस वन प्लस फोर यानी ये होगा थ्री क्यू प्लस फाइव अब तुम ये बताओ क्या यन जो है ये जो एन तीन से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि थ्री क्यू प्लस वन है जो एन प्लस टू है सिंप्लीफाई करने पर थ्री टाइम्स क्यू प्लस वन यानी तीन का ये मल्टीपल है अर्थात यही जो नंबर है इज मल्टीपल ऑफ इज डिविजन बाई थ्री है सॉरी यानी इतना इज
डिविजिबल बाय थ्री। बेटा ध्यान देना, ये डिविजिबल बाय थ्री है, यहाँ थोड़ा एडजस्ट में कर रहा हूँ, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है ना। यानी जो सेकंड टर्म एन प्लस टू है इज डिविजिबल बाय थ्री है, जबकि ये एन प्लस फोर में डिविजिबल बाय थ्री नहीं है, क्योंकि थ्री को प्लस फाइव है। तो तुम क्या देख रहे हो, केस नंबर सेकंड में अब एन प्लस टू जो है तीन से कट रहा है, और केस नंबर फर्स्ट में एन जो है तीन से कट रहा था। तो एट वन टाइम या तो एन डिविजिबल हो रहा है या तो एन प्लस टू डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब तीनों में से कोई दो संख्या एक साथ तीन से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, यही थ्योरम कह रहा है। सिर्फ एट वन टाइम या तो एन प्लस टू या तो एन प्लस फोर तीन से डिविजिबल होगा। तो जैसा कि केस नंबर वन केस नंबर टू में हमने यही देखा, अब बचता है केस नंबर थ्री, जब आर का मान हम दो रखेंगे। तो मैं यही एडजस्ट कर रहा हूँ, वेन आर इक्वल टू टू, अभी हमारा केस नंबर थ्री है, शायद आप लोग समझ जाएंगे। तो बेटा इसलिए देन आर बराबर बताओ क्या होगा, थ्री क्यू प्लस टू होगा। अरे यही ना आर है, एन है, तो इसको रख देंगे, ठीक। अब देखो अब हम क्या क्या निकालेंगे, एन है, एन बराबर है ना, अब एन देखेंगे क्या है, फिर एन प्लस टू देखेंगे क्या है, और फिर देखेंगे एन प्लस टू, देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या जो है ना तीन से डिविजिबल है। चलो एन, एन जो है थ्री क्यू प्लस टू, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तीन से डिविजिबल नहीं है। थ्री क्यू आप देखो एन प्लस टू, ये तो एन है ना, अब प्लस टू जब जोड़ोगे तो थ्री क्यू प्लस फोर होगा। मैं यहाँ पर साफ भी करने जा रहा हूँ, ये भी तीन से डिविजिबल नहीं है क्योंकि थ्री क्यू प्लस फोर है, अब एन प्लस फोर यानी थ्री क्यू प्लस टू और बाहर प्लस फोर है। जब इसको ऐड करोगे तो आएगा थ्री क्यू प्लस सिक्स, अब तीन इसमें से बस कॉमन ले लो तो आएगा क्यू प्लस टू। तुम चेक कर सकते हो ये मल्टीपल ऑफ थ्री है कि नहीं है, ठीक सही है ना। तो यानी कॉमन लगा लिखो इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई थ्री है। तो तुमने क्या देखा, केस नंबर थर्ड में देख रहे हो एन प्लस फोर जो है तीन से डिविजिबल है, केस नंबर फर्स्ट में एन जो है तीन से डिविजिबल था, केस नंबर सेकंड में एन प्लस टू तीन से डिविजिबल था, और केस नंबर थर्ड एन प्लस फोर डिविजिबल थ्री है। दस या हेंस दस हमने ये चेक किया, आउट ऑफ एन कामा एन प्लस टू कामा एन प्लस फोर, इसमें से क्या है, आउट ऑफ एन कामा एन प्लस टू कामा एन प्लस फोर, यानी वन एंड ओनली वन, कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, थोड़ा दस इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, ओनली वन आउट ऑफ एन कामा एन प्लस टू कामा एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाई अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ होंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। बेटा कुछ समय बचाने के लिए मैंने कुछ पहले से लिख दिया था, जैसे इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर x और y है, तो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ क्या मानिए, x इक्वल टू 2m प्लस 1 और y इक्वल टू 2m प्लस 3 मानिए। देखो इससे आसानी होगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ जाएगा, और कैलकुलेशन की लाइन जल्दी हो जाता है अगर 2m प्लस 1 इसको 2m प्लस 1 मानते हो। जैसे कहीं कहीं किताबों में ना देखो कि x बराबर 2m प्लस 1 लेगा, y इक्वल टू दूसरा वेरिएबल 2n प्लस 1 लेगा, ये भी एक तरीका है लाने का दूसरा, ठीक है। तो सबसे आसान है कि आप इस तरह मानो 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3, आपको पता है कि 2m प्लस 1 भी ऑड नंबर होता है और 2m प्लस 3 भी ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये माना कि लेट x बराबर 2m प्लस 1 एंड y बराबर 2m प्लस 3 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, देखते हैं क्या होगा। बेटा इसका होल स्क्वायर करो तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, अभी करेंगे, और y का होल स्क्वायर 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक बार मैं और रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम x को 2m प्लस 1 मान लेते हैं और y को 2m प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लिखोगे तो तुम्हें को कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो लेंथी होगा, आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100% सही होगा। 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, तो बोलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4m स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 4m, ये होगा 4m स्क्वायर
प्लस नाइन और प्लस कलम चेक कर दो कैसे किया। देखो टू एम कॉमन स्क्वायर फोर एम स्क्वायर वन कॉमन स्क्वायर वन होगा और टू टाइम टू एम इंटू वन गिव्स फोर एम, ऐसे ही टू एम कॉमन स्क्वायर फोर एम स्क्वायर होगा, थ्री कॉमन स्क्वायर नाइन होगा, टू टाइम टू एम इंटू थ्री ये देगा ट्वेल्व। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, देखो यहाँ फोर एम स्क्वायर है या फोर एम स्क्वायर है, इसको ऐड करोगे तो आएगा एट एम स्क्वायर। और देखो यहाँ प्लस फोर एम है, यहाँ से प्लस टू एम है, ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा सिक्सटीन एम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से प्लस वन है और प्लस नाइन है तो टेन आ जाएगा, बस ही आएगा, चेक कर लो। देखो हमको साबित क्या करना, प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, दो पार्ट है इसके, एक तो इवन प्रूफ करना बट नॉट डिजिटल प्रूफ। तो इवन नंबर कब होता है, कोई भी संख्या जब इवन नंबर तब होगा जब वो दो से डिजिटल होगा या मल्टीपल ऑफ टू के रूप में लिखा जा सके, जैसे टू फोर सी टू टू इंटू टू टू इंटू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है ना, जो मल्टीपल ऑफ टू होगा वो इवन होगा। ये बताओ हम पहले इसको इवन प्रूफ करते हैं, ये बताइए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया है हम सभी में से दो कॉमन ले सकते हैं, नहीं सिर्फ दो ही पहले कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या आएगा कि फोर एम स्क्वायर होगा प्लस बेटा ये एट एम होगा और प्लस ये फाइव होगा, यानी ये है टू इंटू सम इंटीजर है या टू इंटू इंटीजर में वर्ड्स में लिख रहा हूं। दिस इंप्लाइज बेटा इससे क्या साबित हो रहा है, अभी तक हमने ये साबित किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिजिटल बाई फोर। आइए देखते हैं, अब तक तो हमने साबित कर ही दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू इंटीजर होगी तब टू इंटू इंटीजर है, यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू इंटीजर, इट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। अब हमको ये साबित करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिजिटल बाई फोर, तो एक बार मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ओरिजिनल फॉर्म वाला लिख रहा हूँ, ध्यान दो जो पहले था दो कॉमन लेने से पहले, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ एट एम स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एम प्लस एट प्लस टू, क्योंकि टेन को ब्रेक कर सकते एट प्लस टू और इन तीनों टर्म को मैं स्मॉल ब्रैकेट में रख रहा हूँ, बस इसमें से मैं फोर कॉमन लूंगा, क्यों इससे फायदा ये होगा कि फोर जो ही कॉमन लोगे आएगा फोर टाइम ब्रेकेट में टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस टू और प्लस टू तो पहले था ही, अगर बेटा ये लास्ट वाला टर्म प्लस टू नहीं होता तो हम कह सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, जब फोर क्योंकि फोर का मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ के प्लस टू आने से इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर होगा अब चार से नहीं कटेगा। इस तरह से हमने ये साबित किया इफ एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन इन सच कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट इज इक्वल टू फोर। तो इस तरह से आप हेंस के बाद आप फाइनल जो है कंक्लूजन लिख लीजिए, क्या लिखोगे आप, दस या हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है इज इवन नंबर बट नॉट डिजिटल बाई फोर। तो आप अंतिम लाइन ये लिख सकते हो कि देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम बट नॉट डिजिटल बाई फोर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना है और आप इसको सबमिट करके मुझे दिखा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। बेटा क्वेश्चन वही है, दो क्वेश्चन से मिनट लगाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है सो दैट वन एंड वन लेवल आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस फोर कॉमा एन प्लस एट कॉमा एन प्लस ट्वेल्व एंड एन प्लस सिक्सटीन, काफी लंबा एक्सप्रेशन है, इज डिजिटल बाई फाइव वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा ये सिद्ध करना है कि या तो एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व और एन प्लस सिक्सटीन में कोई एक संख्या जो होगा पांच से कटेगा। बेटा यहाँ इक्विटिविजन लेमा में जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो एन होगा और जो बी होगा वो फाइव होगा, क्योंकि ये जो नंबर एन है वो पांच से डिजिटल हो रहा है, तो फाइव और पोर्शन को टू मान लेना, यहाँ आर मान लेना, रिमाइंडर आर है, आप ये लेके चलोगे जहाँ आर की वैल्यू क्या होगी जीरो हो सकती है वन टू थ्री और फोर तक जाएगा, पांच से एक कम। उसके बाद चार केसेस बनेंगे, पांच केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में जब आर का मान जब जीरो करोगे उस केस में एन की वैल्यू फाइव टू आएगा, ठीक है ना, फिर आप एन चेक करोगे एन बराबर फाइव टू, फिर एन प्लस फोर देखोगे यानी फाइव टू प्लस फोर, फिर एन प्लस एट देखोगे यानी फाइव टू प्लस एट, फिर एन प्लस ट्वेल्व के लिए करोगे फाइव टू प्लस ट्वेल्व, फिर एन प्लस सिक्सटीन करोगे यानी फाइव टू प्लस सिक्सटीन, तो तुम देखोगे इसमें सिर्फ एन जो है डिजिटल होगा फाइव से। फिर केस नंबर टू में आर की वैल्यू वन रखोगे यानी अर्थात एन बराबर फाइव टू प्लस वन होगा, फिर वहां से एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एन प्लस सिक्सटीन, इन सबके लिए वैल्यू को अब देखोगे कि कौन सा टर्म जो है कौन सा एन जो है पांच से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप देखोगे कोई कोई उसमें से पांचों में से कोई एक ही जो नंबर होगा जो पांच से डिजिटल होगा। ऐसे ही बेटा आपको कम से कम
पांच केस लेके, हाँ पांच केस लेके चलना है, तो तुम देखोगे हर केस में कोई एक ही यन जो होगा पांच से डिजिट होगा, या तो वो यन डिजिट होगा पांच से, या तो एन प्लस फोर होगा डिजिट होगा फाइव से, या तो एन प्लस एट डिजिट होगा फाइव से, या तो एन प्लस ट्वेल्व डिजिट होगा फाइव से, या तो एन प्लस सिक्सटीन होगा डिजिट होगा फाइव से। आप लगाइएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा, ठीक ना। आई थिंक आप लगा लोगे, जो बच्चा वीडियो बढ़िया देख रहा है जो समझ रहा है वो पक्का कर लेगा, तो आप करके दिखाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रिविजन करेंगे अगले चैप्टर, या तो हम रिविजन करेंगे या तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे एग्जाम के बाद, ठीक है ना, देखते हैं, ठीक है। आपकी जो भी राय होगा आप मुझे बता दीजिएगा कि अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या अगले चैप्टर का रिवाइज करना है कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वैसे अगर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हैव ए नाइस डे।